जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गोयनका डायमंड एंड ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, गोयनका डायमंड के बारे में हम सभी जानते हैं कि भी इसमें हाल ही में ट्रेडिंग बंद कर दिया गया है। अब देखिए, सामान्यतः किसी कंपनी का ट्रेडिंग तब बंद होता है जब उसमें क्या होता है कि उसकी कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले होते हैं। अभी आपको पता है कि इन दिनों कंपनियों के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ रहे हैं, तो जब रिजल्ट आने वाले होते हैं तो उसमें कुछ समय पहले ट्रेडिंग क्लोज कर दी जाती है। हालांकि वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है कि यहाँ कोई क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसमें जो ट्रेडिंग बंद हुई उसके पीछे की वजह क्या है, ट्रेडिंग फिर कब शुरू होगी, इसी मुद्दे को इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोयनका डायमंड का यहाँ पर कोई चार्ट नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा है नो चार्ट अवेलेबल एक दिन के, जब हम टर्म में देखते हैं तब। पिछले एक सप्ताह में इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। एक सप्ताह में तकरीबन ये स्टॉक आपको 10.5% के आसपास चढ़ते हुए दिखेगा। एक मंथ में भी इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और जैसे आपको पता है कि पिछले लंबे समय से इसमें गिरावट चल रहा था, तो वो लंबा समय का गिरावट अभी भी आप देखेंगे पिछले 6 महीने में, तो तकरीबन 34-38% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो तेजी आई थी उतने लंबे समय तक सस्टेन नहीं रह पाई कि ये जो लंबी अवधि में जो इसमें गिरावट हुआ है उसको कवर कर पाए। हालांकि वो तेजी बरकरार रहती है, और यदि इसमें जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रेडिंग बंद कर दी गई तो कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है, ट्रेडिंग यदि क्लोज नहीं होती तो शायद वो जो लंबी अवधि का गिरावट है उसको ये तेजी भरपूर कर देती और ये गिरावट ऊपर की तरफ चला जाता, यानी कि गिरावट नाम का कोई चीज़ नहीं रह जाता। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें बेसिकली ट्रेडिंग क्यों क्लोज की गई है, उसके पीछे की वजह क्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अभी मैंने BSE इंडिया का वेबसाइट ओपन किया हुआ है, और BSE इंडिया की वेबसाइट पर देखिए मैंने गोयनका डायमंड कंपनी का पूरा डिटेल ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देगा कि ये कंपनी अभी IRP स्टेज वन में है। IRP का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं कि दिवालिया समाधान प्रक्रिया, यानी कि कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है और उसकी समाधान के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं IRP। लेकिन IRP स्टेज के भी चार चरण होते हैं, जिसमें अभी ये पहले स्टेज में है। अब ये क्या होगा कि ये विवाद जाएगा NCLT के पास, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। कोई भी विवाद होता है कंपनियों का तो NCLT में जाता है, वहीं पर विवाद को सुलझाया जाता है। अब देखिए, ये IRP में आप समझ गए कि कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। दिवालिया क्यों होने के कगार पर है, चलिए उसको समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे गोयनका डायमंड ज्वेलर्स लिमिटेड का मैंने पूरा हिस्ट्री खोला हुआ है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। इस कंपनी के ऊपर जो आप देखेंगे, पहले ये देख लीजिए कंपनी का जो मार्केट कैप है। आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 15-35 करोड़ रुपए के आसपास है। अब देखिए इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट पर आप देखिए कंपनी के ऊपर जो टोटल डेप्ट है, जिसको बोरो कहते हैं, वो देखिए टोटल डेप्ट है इसके ऊपर 181 करोड़ के आसपास, जो कि पहले 180 करोड़ के आसपास था, उसके पहले 182, उसके पहले 100, यानी कि कंपनी का जितना मार्केट कैप नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी के ऊपर अभी भी कर्जा है। ये कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है, लेकिन पता नहीं क्यों तब भी इस कंपनी के पास इतना हैवी मात्रा में डेप्ट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कंपनी का जो विवाद है अब NCLT के पास चला गया है, या नहीं भी गया तो थोड़े दिन में चला जाएगा, क्योंकि कंपनी IRP स्टेज में आ गई है। IRP स्टेज में आने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि विवाद जाता है NCLT में, जहाँ पर मामले को देखा जाता है कि कंपनी के पास कितना कर्ज है, कितना रिजर्व पड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक बात तय है कि जब कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा है तो पूरी संभावना है कि कंपनी का जो ये डेप्ट वाला मामला है तुरंत सुलझ जाएगा और कंपनी में फिर से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। इसलिए गोयनका डायमंड में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो उतनी चिंता की बात नहीं, क्योंकि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है, जिससे कंपनी के ऊपर जो दिवालिया होने की मतलब एक प्रयास कर सकते हैं कि जो चार्ज लगे हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और कंपनी में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। तो देखिए, गोयनका डायमंड में थोड़ा सा रिस्क तो है, जैसे इसमें ट्रेडिंग शुरू होता है आप इसमें से क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास जो भी क्वांटिटी है उसमें से आधा शेयर तुरंत निकाल दीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें रिस्क बना रहेगा। और जब तक कंपनी पूर्ण रूप से डेप्ट फ्री नहीं हो जाती तब तक इसमें नया इन्वेस्टमेंट आप करने से बचिएगा। यदि कोई नए व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इस बात को जरूर समझेंगे। तो गोयनका डायमंड में जो मेन बात था यही कि इसमें जो ट्रेडिंग क्लोज हुआ है उसके पीछे यही कारण है कि कंपनी को सेबी ने IRP स्टेज में डाल दिया। IRP स्टेज में इसलिए डाला जाता है क्योंकि उसके ऊपर कर्जा अधिक हो जाता है या लोन ज़्यादा कंपनी ले लेती है जिसको समय पर चुका नहीं पाती है, इस वजह से कंपनी को IRP स्टेज में डाला जाता है। ये कोई चिंता की बात नहीं, जब NCLT में विवाद जाएगा तो तुरंत वहाँ पर सुलझ जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास अभी फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।